नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते आज की हमारी विशेष खबर। भारत ने चीन गए सभी विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश पर लगा दी रोक। चीन में जारी नोबेल कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत के विमानन नियंत्रक नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कल एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि जो भी विदेशी 15 जनवरी से पहले चीन गए हैं उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। साथ ही 5 जनवरी से पहले चीनी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा सस्पेंड किए जाते हैं। DGCA ने साफ कहा है कि ये वीजा पाबंदियां एयरक्रू के सदस्यों पर लागू नहीं होंगी जो चीन से आने वाले चीनी या विदेशी नागरिक हो सकते हैं। DGCA के आदेशों के मुताबिक 15 जनवरी 2020 या उसके बाद चीन जाने वाले विदेशियों को भारत, नेपाल, भारत, भूटान या अन्य किसी भी सीमाओं, किसी भी फ्लाइट, जमीन या बंदरगाह के जरिए भारत आने की अनुमति नहीं है। साथ ही चीन के लिए सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की अधिक आशंका वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 17वें स्थान पर। हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी और रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा मिलकर की गई एक स्टडी के अनुसार भारत कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से प्रभावित होने वाले देशों में 17वें स्थान पर है। भारत में दिल्ली एयरपोर्ट पर इसके संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है, जिसके बाद मुंबई और कोलकाता का स्थान है। कोरोना वायरस पर चीन का नया दावा। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है पेगोलिन ने चमगादड़ से मनुष्यों में कोरोना वायरस फैलाया हो। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि पेगोलिन में मौजूद वायरस का जीनोम सीक्वेंस संक्रमित व्यक्तियों के जीनोम सीक्वेंस से 99% मिलता जुलता है। इस मामले में वैज्ञानिकों ने जंगली जानवरों के 1000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।